हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। उम्मीद करूंगी आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं अभी नहा करके आई हूँ, और नहा करके सीधा मैं थोड़ा सा मैंने मेकअप वगैरह किया है, और मैं बाल कंघी करूँगी और उसके बाद मैं पूजा वगैरह करूँगी। तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली जाए और साथ के साथ काम भी चलते रहेंगे। तो चलिए करते हैं बाल कंघी। तो बाल भी कंघे कर लिए हैं मैंने, और अब मैं जाऊंगी किचन में। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आलू उबालने के लिए रख दूँ, जिससे कि मैं इतने पूजा वगैरह करूँगी इतने मेरे आलू उबल जाएंगे। हम लेडीज़ ऐसी होती हैं कि हर काम में हर चीज़ में बचत करने की सोच लेते हैं। अब क्या है कि इतने पूजा करूँगी इतने आलू उबल जाएंगे, बचत की सोच ली। इसमें ही मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी खुशी प्राप्त कर ली है। तो पहले मैं आलू बॉयल होने के लिए रखती हूँ, उसके बाद देखूंगी बनाऊंगी कुछ खाने का। और क्या हो रहा है कि जब से बेटी व्रत रखा है बेटी ने मेरी ने, तब से हमारे खाने का बड़ा सिस्टम ख़राब हो रहा है। उसमें क्या है कि इसके पापा तो कम ही घर पे खाना खाते हैं, ज़्यादातर बाहर रहते हैं तो बाहर ही खा पी लेते हैं, और बेटी व्रत है और रह जाती हूँ मैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा मैं अपने लिए क्या बनाऊँ अपने लिए क्या बनाऊँ, तो ऐसे ही करती हूँ, कभी बेटी के उसमें से ही खा लेती हूँ जो बेटी के लिए बनाती हूँ। और मैं सोच रही थी कि मैंने कहा इससे तो मैं व्रत ही रह लेती तो ही अच्छा था, ज़्यादातर बेटी के उसमें से ही खाती हूँ मैं खाना, कभी कभी बना लेती हूँ अपने लिए। जब ये खाते हैं तब तो मैं बना लेती हूँ, वरना अकेले को तो मैं ऐसे नहीं बना पाती हूँ। तो वही सब है। और अब तो खाना बनाने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है, वो वाला काम हो रहा है मेरे साथ। तो चलिए बातें कम करते हुए चलते हैं किचन में, और पहले आलू वगैरह रख लेती हूँ। अब चलते हैं मंदिर की ओर। अब आ गए हैं हम अपने मंदिर में, रूम में जिसमें मंदिर है हमारा। पहले मैं यहाँ पर लाइट ऑन कर लेती हूँ ताकि इसमें साफ आए, वरना दिखाई नहीं देता है साफ। तो मैंने इसको ऑन कर लिया है, और अपने कान्हा जी से मिलते हैं।
लिए। पूजा वगैरह करने के बाद मैं जा रही हूँ किचन में, और मैं किचन में से लाऊँगी मक्खन, जो मैंने सुबह ताजी मक्खन चलाया था वो वाला लेकर आऊँगी, और कान्हा जी को भोग लगाऊँगी, जो कि कान्हा जी को मक्खन बहुत पसंद है, और मैंने चला करके फ्रिज में रख दिया था सुबह। और थोड़ा टाइट हो जाता है ना फ्रिज में, मैं उसे छुड़ा रही हूँ यहाँ पर, और मक्खन का भोग लगाऊंगी। और कान्हा जी को, जिन जिन के घर भी कान्हा जी हैं वो सब मक्खन का भोग जरूर लगाएं कान्हा जी को, कान्हा जी को बहुत पसंद है, खुश रहते हैं कान्हा जी मक्खन के भोग से। मक्खन और मिश्री का भोग, ये दोनों भोग उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं तो आ गई हूँ यहाँ पर, इनको भोग लगा देती हूँ, तो इनको मैंने भोग लगा दिया है, और फिर से चलते हैं किचन में। पहले तो मैं कुछ खाती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि कोई फ्रूट है, शायद एप्पल है, वैसे मुझे पसंद नहीं है, पर मैं खा लेती हूँ क्योंकि बनाना खत्म हो गया है, तो उसमें से खा लेती हूँ। और फिर वो क्या बोलते हैं, हरी मिर्च और टमाटर कट करके रखूँगी, क्योंकि मैं बेटी के आलू फ्राई करूँगी, और हम टमाटर और हरी मिर्च खा लेते हैं व्रत में, तो वो दोनों कट करके रख दूँगी, इतने मेरे कुकर से सीटी भी निकल जाएगी, तो फिर मैं उनको फ्राई कर दूँगी।
को भोग लगा दिया है, झांझी मैया को भोग लगा दिया है, और वो टमाटर और हरी मिर्च वगैरह काट के रख दिए हैं। अपने लिए एप्पल काट लिया है, और बर्तन वगैरह जो मैंने साफ करे थे थोड़ी देर पहले वो सारे मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। आलू मेरे उबल गए हैं और उनसे सीटी निकल गई है, तो वो ठंडे हो जाएंगे। तो पहले मैं वहाँ पर रूम में जाऊँगी, फ्रूट खाऊँगी, थोड़ी सी देर बैठूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद आगे के काम शुरू करूँगी जो कि बेटी को बना कर देना है उसको। तो पहले चलते हैं, कुछ अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, सुबह से लगे पड़े हैं और ये टाइम हो गया है सुबह से। तो आलू मैंने फ्राई करके रख दिए हैं और देखूंगी वो उनके साथ रायता बनवाती है, क्योंकि उससे नमक जो होता है व्रत वाला उससे, और उसमें तड़का लगा देंगे जीरे का, देसी घी का। तो देखूंगी वो रायते से खाएगी तो मैं रायता बना दूंगी, और अगर वो दही से खाएगी तो दही ले लेगी, अगर वो चाय से खाएगी तो मैं उसको चाय बना दूंगी। वो उसकी पसंद के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या खाएगी आकर, क्योंकि ऐसे तो मैं बनाकर रखूँगी नहीं। पता चला कि मैंने रख दिया रायता बनाकर वो दही से खाने लगी, ठीक है, तो मैं जब वो आ जाएगी तभी बनाऊँगी। बस वो आने में ही है, आध पौन घंटा में वो आ जाएगी घर। तो मैं इस वीडियो का एंड करूँगी, क्योंकि फिर वो बोलेगी मम्मी आपने सुबह से नहीं बनाई, मम्मी आपने ये नहीं करा, मम्मी आपने वो नहीं करा, कि बच्चों को फ़ोन की बहुत चिंता रहती है। तो मैंने कहा उसको भी दे देंगे, अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं इस वीडियो का एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।